हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एम पर। मैं राजारियन आपके लिए आज लेकर के आया हूँ मैग्नेटिज्म और मैटर का कंप्लीट लेक्चर। कंप्लीट आज ही नहीं होगा, 3-4 लगेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे सारे लेक्चर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने कंप्लीट मैग्नेटिज्म का सीरीज पढ़ लिया हुआ है। ये थोड़ा एक अलग सा टॉपिक है, मतलब टोटली डिफरेंट टॉपिक है। जैसे हम लोगों के पहले टॉपिक थे कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वो सब हकीकत की चीज़ें थी, है ना। ये तब की चीज़ें हम पढ़ेंगे जब का इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर जब ये नहीं ढूंढा गया था कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तब का टॉपिक है। यानी कूलम्ब ने अपने हिसाब से मैग्नेटिज्म को समझा था, उसके हिसाब से थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और इसमें मैक्सिमम चीज़ें समझ लेना है ऐसे कि गलत ही था, जिसके कि फिजिकल अपीयरेंस सही है, बट उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो थोड़ा गलत था, और हमें फिर उसी को सही तरीके समझना है कि आखिर एक्चुअली में हो क्या रहा था। इज दैट ओके? यानी ये नहीं समझना है गलत चीज़ पढ़ रहे हैं। हाँ, पहले लोगों के जैसे साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से इनको समझने की कोशिश किया था। अब फिर समय के साथ जैसे जैसे थ्योरीज आगे बढ़ती गई, वो उन थ्योरीज के ऊपर फिट नहीं बैठती गई, तो फिर जो अपीयरेंस हो रहा था फिजिक्स में, जो हमें बाहर में दिख रही थी, हमें उनको समझना अब नए थ्योरीज के हिसाब से समझने की कोशिश करनी पड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं, करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट का डिस्कवरी हो चुका था, है ना। वो क्या बोलते हैं, भेड़ उड़ चलाने वाला था ना एक आदमी, उसके खूर में लोहा वगैरह, उसकी कहानी आई थिंक तुम लोग को पता होगी, है ना। पहाड़ पर गया था, चिपक उपक गया था मैग्नेट का पहाड़ वगैरह, है ना। हम लोगों ने क्लास 8 वगैरह से उन्हें पढ़ा है। तो मैग्नेट की डिस्कवरी हो चुकी थी। मैग्नेट की डिस्कवरी होते ही हमें ये पता चल चुका था कि फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है, जो हवा में अगर हम फ्री में रख दें ऐसे करके, है ना, देखो ये ऐसे हो गया फ्री। हाँ, अगर मैं इसको फ्रीली अगर मैं ऊपर से नीचे बांध करके रख दूँ, तो ये धीरे धीरे करके ऐसे, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएगा, है ना। यानी कि बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया, हमें ये समझ में आने लगा कि बार मैग्नेट जो है हर समय नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है, जब हम फ्रीली मूव करके ऐसे ऐसे रख देते हैं बांध करके, है ना। समझ आ रही बात है? जैसे अगर हमने एक बार मैग्नेट को ऐसे बांध करके रख दिया हुआ है, तो ये हर समय, है ना, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही दिखाता है, और जो नॉर्थ की तरफ दिखाता है हम उसको हमने कह दिए नॉर्थ पोल, और साउथ पोल कह दिया, है ना। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, साउथ पोल साउथ के डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। ये बार मैग्नेट, जब हमने फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट था ये, है ना, सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमने यहां तक हम जानते हैं यहां तक, है ना। तो कूलम नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम लॉ, है ना, कि दो चार्ज है, कि कोई Q1 है और दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन R अगर है, तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² के हिसाब से उन्होंने बता दिया था कूलम ने, कि एक चार्ज दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, हम चाहेंगे इसको कि थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना, रिलेट करते हुए पढ़ें, क्योंकि हकीकत में वही हुआ था, तो हम उसके हिसाब से समझने का कोशिश भी करेंगे इसको। तो कूलम्ब ने जब चार्ज के पोल के बारे में समझा कि दो चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज है, तो उसके बीच में जो इस तरह से फोर्सेस लग रही है, तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं बार मैग्नेट के अंदर में भी पोल्स जो होते हैं, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होता है। उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पर कुछ पोल स्ट्रेंथ होता होगा। नॉर्थ के पास उसने कहा कि पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, साउथ के पास निगेटिव पोल स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली गलत है, लेकिन कूलम्ब ने जो समझा हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, ये तो नहीं पढ़ना था, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बात करेंगे पहले कूलम्ब ने समझा क्या, है ना, थोड़ा सा चीजों को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखना, ठीक है, ये बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सबसे पहला बात तो हम दो तीन पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना, ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ।
ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, मतलब टोटल एक्चुअल में जो हम लोग स्केल से मेजर करेंगे इसका लेंथ है ना, आई थिंक मेरे पास स्केल हो तो आपको बता सके, आपको नहीं है या है तो अगर हम देखे हो गिनता रोलर बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे तो देखोगे तो कितना गंदा हो गया है ना, ऐसे रखा हुआ। ओके तो देखो मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ इसका लेंथ आई थिंक 30 सेंटीमीटर प्लस समथिंग कुछ आ रहा है, ये जो एक्चुअल लेंथ हो गया ये मेरा हो गया ज्योमेट्रिकल लेंथ। यहाँ तक समझ में आ रहा बात ये क्या नहीं ठीक। हाँ ये है हमारा ज्योमेट्रिकल लेंथ, मतलब एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना, तो आप पहले लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट है ना, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट मतलब हो गया एक्चुअल लेंथ है ना, इसको लिख सकते हैं एल जी, ये हो गया हमारा एल जी, कंपनी नहीं है ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को अगर किसी भी सरफेस पर रखा तो देखा कि जो एक है ना आयरन के पार्टिकल, आयरन का जो बुरादा होता है, जो कहीं से मान लो कि लोहा काटा जा रहा है तो कहीं से लोहा का बुरादा निकलता है वहीं पर, या लकड़ी को देखिए काटते हुए कहीं पर, तो अपन लकड़ी का बहुत सारा बुरादा गिर जाता है ना पाउडर टाइप का, उस तरह से लोहा का बुरादा गिरता है जहाँ पर लोहा को काटा जाता है, तो उसी आयरन के पार्टिकल्स को यहाँ पर कहीं रख दिया गया, तो स्पेशल अरेंजमेंट ये दिया है ना, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था कि लोहा का पार्टिकल कुछ इस तरह से करके अलाइन हो गया है ना, यहां पर भी और इधर भी ऐसे ऐसे ठीक है। अरे उसमें तो जिसको कि हम लोग बोले बाद में किए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट कर रहा है ये उसी हिसाब से, सवाल ये था कि मतलब हम जो समझाना चाहते हैं वो ये नहीं कि मैग्नेटिक लाइन जनरेट होता है वगैरह, वो उसको बाद में समझेंगे, हम कुछ और चीज समझाना चाह रहे हैं, ध्यान समझना पहले मेरी बात को। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब यहाँ से है ना, अगर एक यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉप करें ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे ड्रॉप करें, तो लग रहा था उस उन लोगों को यहाँ से कहीं से इस पॉइंट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं ना, दैट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड अगेन दिस विल टर्मिनेट इन टू दिस पॉइंट। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ज्योमेट्रिक एक ज्योमेट्री शेप दिया गया सबको टेंजेंट बना बना करके, तो देखा गया कि सबका सब यही मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है और जहां पर से जनरेट हो रहा था यहाँ से सबका सब नॉर्थ से जनरेट होता है ना, तो उसने कहा कि यहाँ से अभी इसको प्लस एम पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम और यहाँ पर हो गया माइनस में एम, इज इट ओके। यानी कि पहला बात तो यह समझ में आया यहां से कि प्लस एम जो है ये हमारा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, प्लस एम को बोलते हैं पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ ठीक है, और माइनस एम को कह देंगे निगेटिव पोल स्ट्रेंथ ठीक है। पहला बात तो यहां तक समझ में आया। दूसरा बात क्या उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जेनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल है ना, देख रहे हो जेनरेटेड की बात हो रही है, यहां से जेनरेट हो रहा ओरिजिनेट हो रहा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है बराबर कह रहे ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पहला पॉइंट था जेनरेटेड है ना, जेनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल है ना, एंड इट टर्मिनेट्स into south pole। सबसे पहला बात इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो गलत बात यही था कि पोल जो इस तरह से उन्होंने सोचा कि एक अलग सा आइसोलेटेड पोल है जिससे जनरेट हो रहा है, ये गलत था है ना। तो पहले तो नोट करके लिख लेना था, बहुत मोटा मोटा अक्षर में कहीं पर नोट, 2000 रुपए का नोट है, अब तो मिलना मुश्किल हो गया ये है ना। इसके ऊपर बात कर रहा कि मोनोपोल्स डज नॉट एक्सिस्ट, मोनोपोल्स है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कह सकते हैं यहां पर, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एक्सिस्ट, ये होते ही नहीं, ये बनाए ही नहीं जा सकते
तो भाई ये जेनरेट कैसे कर रहा है और ये यहाँ पर टर्मिनेट कैसे कर रहा है? क्यों ऐसा था? क्योंकि जब सेवरल एक्सपेरिमेंट किए गए कि पोल्स को तोड़ा गया, देखा गया कि जो है ना ये बार मैग्नेट टूटते तो है ना, बार मैग्नेट टूटा तो है, यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था, मगर जैसे ही टूटा तो साउथ के बगल में अपने आप नॉर्थ बन गया, यहाँ साउथ बन गया, और तोड़ा गया फिर से ही हुआ नॉर्थ साउथ, एक दूसरे का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, तो अकेला हो ही नहीं सकता ना। नहीं समझ आ रही बात? अकेला हो नहीं सकता, इसलिए ये पहला बात है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, होते ही नहीं है। जब होते ही नहीं है तो उसका कोई मतलब तो बनता नहीं है, है ना। जब तुम लोग खोज लेना तो तुम लोग को नोबेल प्राइज मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स तुमने ढूंढ लिया है ना, होता ही नहीं है, तो इसलिए टेंशन लेना है नहीं, है ना, ठीक है ना। अब कुलम्ब ने बोला कि होता है तो हमको तो मानना पड़ेगा। अब जब यहाँ तक हम उन्होंने मनवा ही दिया हमको, तो हम एक चीज और देख सकते हैं जिसका कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या देख सकते हैं? यहां से देखो, यहां से यहां तक का जो कुछ लेंथ दिख रहा है क्या, इसका ये पोजिशन से इस पोजिशन का लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, एल एम, इज इट ओके। जब है ना ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ एल एम, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो यही था कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का जो रेशियो था, यानी कि एल एम बाय एल जी का जो रेशियो था, वो 0.84 ऑब्जर्व किया गया। ये पहला ऑब्जर्वेशन, जब तुम लोग को एक छोटा सा नोट के हिसाब से याद कर लेना, जो उन लोगों ने खोजा था। ऑब्वियसली ये होता नहीं है, पहली बात बार बार हम कह रहे हैं कि बात ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीजें मैग्नेट के बारे में बताया गया। क्या बताया गया फिर सुन लो, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होते ही तो सबको पता है, नॉर्थ से मैग्नेट पोल निकलता है, साउथ में अगर टर्मिनेट कर जाता है, और नॉर्थ वाले को बोला गया प्लस एम पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, माइनस वाले को बोला गया निगेटिव पोल स्ट्रेंथ, और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा बात यह था, ये सब है ना, समझ रहे हो बात को, प्रैक्टिकली देखा गया कि हाँ ऐसा कुछ होता है। जब देखा गया उसको ऐसे करके मिलाया गया, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मिलाया गया, तो ये लेंथ मिला, ये लेंथ मिला, तो उसको फिर यहां से तक का लेंथ को डिवाइड कर दिया ना, इस लेंथ को इससे डिवाइड किया गया, तो 0.84 मिला। हाँ ये मिला तो मिला, उनको उनकी प्रॉब्लम है, हाँ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम बस इतना है कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा वो पता रहना चाहिए हमें, इज दैट ओके। छाप लो, आगे देखते हैं, जल्दी 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 छाप लो इसको, है ना। नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में लग रही टर्मिनेट कर रहा है, एरो यहां पर दिखा देना ऐसे करके, ये बार मैग्नेट के लिए, है ना। तो जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं, कूलम्ब लॉ जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे थे तो हम बताए थे वहां पर कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है, ठीक है। यदि कोई भी चार्ज है निगेटिव है तो भी उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है, इवन जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा होता है। और उसी में अगर हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा था तो हम बताए थे उसके ऊपर फोर्स लग जाता है, फोर्स बराबर बताए थे क्यू ई, इतना फोर्स वेक्टोरियली लग जाता है, ये कूलम्ब ने ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। अब मैग्नेट, मैग्नेट के लिए कूलम्ब लॉ ने बताया, कूलम्ब्स लॉ है ना फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के लिए कूलम्ब ने क्या क्या लॉ बताया, तो पहला बात तो ये बताया कि एनी पोल है ना, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक मोनोपोल, ऐसे मोनोपोल्स जेनरेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग जानते हैं बी वेक्टर से दिखाते हैं, है ना, इन थ्री डी स्पेस। उन्होंने कह दिया कि थ्री डी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ये जेनरेट करता है, कोई मोनोपोल जेनरेट करता है, इज इट ओके, है ना, विच इज गिवन बाय, which is given by, जो magnetic field ये generate कर रहा है, B बराबर mu zero upon 4 pi, B equal to mu zero upon 4 pi, और जो monopole का pole strength है, उसको हम कह रहे हैं m naught upon r square के हिसाब से, जैसे वही k q by r square, just like that, देखो, एकदम same है ना, जैसे अगर यहाँ पर अगर हमने q charge रखा हुआ, जैसे हमारा magnetic field कितना बनता है, k q upon r square, just like that।
के जगह पे यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ रहा है, और हम लोग का दोस्ती है इससे, कोई टेंशन इतना लेना नहीं है। जस्ट लाइक दैट उन्होंने बोला कि अगर कोई मोनोपोल है तो वो अपने चारों तरफ इतना मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट कर दे रहा है। सेकेंड बात क्या बोलेगा कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरा एक टेस्ट चार्ज को अगर हम टेस्ट मोनोपोल स्ट्रेंथ को रख देंगे तो उसे फोर्स लग जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, एनी टेस्ट चार्ज, एनी टेस्ट चार्ज बी प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक टेस्ट, देखो फिर से चार्ज ले लिया है ना, एनी टेस्ट मोनोपोल बी प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे आज, है ना, सारा चीज लोगों का पढ़ा हुआ है, बस उसको एक बात समझो कैसे रिलेट करना है ना, मैग्नेटिक फोर्स है ना, दैट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू एम नॉट इन टू बी। ठीक है, जैसे यहां पर क्यू ही था, वैसे यहां पर एम नॉट बी हो गया, दैट्स इट। कोई दिक्कत है, छाप लो जल्दी से, है ना, जल्दी छापो। हाँ, तो जब हम लोगों ने यहां तक देख लिया तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो पोल है, M1 है और एक M2 है, और दोनों पे सेपरेशन R है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना हो गया, U नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर के हिसाब से इतना फोर्स लग रहा है, कूलंबिक फोर्स। ऐसे रुके, यानी कि कहने का मतलब है कि इसने इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया यहाँ पर और उतना इसके ऊपर फोर्स लग गया, तो फोर्स है ना, इसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया इधर की तरफ, इसे फोर्स लग गया M2 into B1, M2 इसका, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड B1, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, M2 into B1 की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 upon R square। देखो तो बात वही आ गया क्या, है ना, इस पर फोर्स लगाया है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस पर फोर्स लगेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और अगर दोनों लाइक पोल है तो दोनों रिपेल करेंगे। तो पहला बात तो ये लिख लो कि लाइक पोल है ना, रिपेल इच अदर, है ना, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। Is that okay? है ना? यूनिट लिखना है ना? हम लोग को यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ लिखो, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जब निकालोगे, हम सीधा नहीं करते, एम्पियर होता है इंटू मीटर होता है, ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट लिखा। कोई सवाल है यहां तक, है ना? तो अब अगर हम लोग यहां तक सीख चुके हैं तो हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब मैग्नेट का डायपोल हमको पता चल चुका है, मैग्नेट का डायपोल जो पोल है ना, जो बार मैग्नेट है, उसके कारण हम डिफरेंट डिफरेंट जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहां कहां क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होता था ये हम लोग को पता है ना। अगर हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको हम लोग पी वेक्टर बोलते थे, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको हम पी वेक्टर कहते थे, ये माइनस से प्लस की तरह बताए थे, इसके कारण एक्सिस पर कितना बताए थे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, 2kp/r³, है ना, और एट इक्वेटर पर kp/r³, और किसी भी जगह पर कितना बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन, kp/r³
एंड वन प्लस में थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, इज इट ओके। तो कुछ ऐसा ही आया था हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे, फिर टॉर्क निकाले थे, वही सब हम लोग को पढ़ना है अगेन, है ना। तो ये सब चलो स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा रिकॉल कर लेना है अपने स्तर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट वीडियो है, जाकर के उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले सेक्शन में देख लेना, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल, है ना, मैग्नेटिक डायपोल। दो पोल है यहाँ पर, उसी को मैग्नेटिक डायपोल कर देंगे। तो सपोज कर लेते हैं यही मेरा मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है, और ये हो गया मेरा प्लस प्लस में m, ये हो गया माइनस में m। हम लोग को पता है इसको नॉर्थ और इसको साउथ करते हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो मान लेते हैं डिस्टेंस है ना, वो है हमारा 2L। अब ये समझ में आ रहा है 2L क्या है, मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है, एक्चुअल लेंथ नहीं है, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर हम दिखा दें, ये नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। और हम यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देना चाहते हैं, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर ही पहले लिख लेते हैं, मोमेंट ही लिख लेते हैं, इसको m वेक्टर बोलेंगे, m वेक्टर, कैपिटल m वेक्टर बोल रहे हैं इसको। ये स्मॉल m है, यहाँ बहुत सारा m है, ध्यान से समझना है, एक एक का नाम बहुत अलग है, सिंबल सिमिलर है, तो थोड़ा उसको पहचानना है, यहाँ पर इसी में थोड़ा बहुत खूब ज्यादा दिमाग है ना, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, इसको कैपिटल m वेक्टर कह रहे हैं। तो कैपिटल m वेक्टर क्या कह देंगे इसको, कैपिटल m जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, q into 2r, याद है इलेक्ट्रिक डायपोल वाला, m इंटू यहाँ पर 2l आ जाता है इसका, ठीक है, m इंटू 2l आ जाएगा, इसको बोल देंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस में m टू प्लस m, है ना, फ्रॉम सेंटर, इसका सेंटर अगर O है तो फ्रॉम O से, है ना, यानी कि माइनस m से प्लस m की तरफ ऐसे करके दिखाएंगे, इज इट ओके, कोई सवाल, इतना आ जाएगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी पता है एम्पियर मीटर और एक मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये अगेन प्रॉपर्टी है, और लिखना चाहते हो तो डिफिनेशन में लिख लेना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम, इज इट ओके। चलो अब बात करते हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं, यहां तक छाप लो, जल्दी से छाप लिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स एक्सिस, कट रहा है क्या ऊपर, चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो अगर देखा जाए यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके एक्सिस पर बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालते थे डायपोल में, सेम प्रोसेस यहां पर भी है, ठीक है। तो हम इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, हम सीधा कर देते हैं, यहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर माइनस में m है और यहाँ पर प्लस m है, ये सेंटर हो गया, और हम सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर, सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर, किसी p पोजीशन पर, है ना, किसी p पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखो ध्यान से एक चीज समझना है, ये डिस्टेंस हमारा 2l है, है ना, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हमारा x है, सेंटर से ये डिस्टेंस O से है ये डिस्टेंस, तो इसके प्लस m से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये हमारा 2l है तो ये लेंथ l हो जाएगा, और ये पूरा x है, x में से l घटा देंगे तो लेंथ आ जाएगा, इसको हम कह देंगे x माइनस में l लेंथ, और सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x प्लस में l। कोई सवाल यहां तक, अब आगे दो बात लिखते हैं, प्लस के कारण बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे,
इसको कर देंगे बी पॉजिटिव ऑलवेज और ये बी निगेटिव है ना, जो हम लोग है नहीं है ना, हम लोग हर समय बी पॉजिटिव है ना हमारा, क्योंकि ब्लड ग्रुप रहे ना रहे बी पॉजिटिव लेकिन है बी पॉजिटिव। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव में से बी माइनस घटा देंगे तो जो बचेगा वही मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है ना। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास बी पॉजिटिव वेक्टर माइनस में बी निगेटिव है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी तुरंत फॉर्मूला पढ़े कितना होता है, एक मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बताए थे, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम बाय आर स्क्वायर, ये ना बताए थे, तो वही लिख देना है ना। तो बी पॉजिटिव की वजह से क्या लिखे, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, पॉजिटिव क्या इसके अगर बात कर रहे हैं, इसका एम लिखेंगे अब भाई यहां से तक डिस्टेंस कितना है देखो, तो एक्स माइनस में एल है क्या, एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस में अगर हम इसके कारण बात करेंगे क्या लिखेंगे, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, इसका एम मास नहीं है ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, और यहां से तक का डिस्टेंस है हमारा एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर। इसको फिर हम लोग जानते हैं सॉल्व करने के लिए, तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आ जाएगा है ना, और एम भी आ जाएगा यहां से कॉमन है ना, तो ऊपर में चला गया हमारे पास एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे में हम यहां पर एक चीज लिख देते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है कि इफ जो 2l है वो बहुत बहुत छोटा है x से, तब ये बात है, हर समय ये सिचुएशन नहीं दिया रहेगा, तो फिर भी अगर बोर्ड के लिए बात करेंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग का ये कंडीशन होल्ड करता है, लेकिन अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर या फिर जेई वगैरह के कंसर्न में बात करेंगे तो समझ लो है ना, ये 2 सेंटीमीटर कर दिया बोले 5 सेंटीमीटर बताओ, तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ जाएगा हम लोग है ना, फिर यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। खैर अगर ऐसा कंडीशन है एल बहुत छोटा है तो हम इसको जीरो मान लेंगे नीचे वाले को, यहाँ लिख देंगे एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर हो गया इधर, ओके नीचे वाले जीरो करना ऊपर वाले नहीं कर लेना, पता चलो मैग्नेटिक फील्ड जीरो करवा ली, देखो क्या हो गया है ना। तो चलो आगे बात करते हैं, यहां से हो गया हमारे पास देखो तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू एम अपॉन एक्स रेशियो फोर, और ऊपर में क्या हो जाएगा देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर कटेगा, टू एक्सएल यहां बचेगा, टू एक्सएल यहां बचेगा, यानी फोर एक्सएल बचेगा है ना, ऊपर में बचेगा ना, और एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहां पर सीधा सीधे हम सीधा लिख देते हैं म्यू जीरो बाय फोर पाई है ना टू एम बाय आर का या एक्स का क्यूब, इतना हो गया एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। और नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है देखो तो माइनस एम से प्लस एम की तरफ, जो हमने कहा था जो पोल इस जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है एम वेक्टर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है ना, बी नेट जो आ रहा है वो भी उधर की तरफ ही आ रहा है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना है कहीं पर है ना, इसके बाद यहां तक लिखो जल्दी जल्दी, एक पॉइंट लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पहला कंडीशन था एट एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली हम लोग एकदम सेम तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है जल्दी से कॉपी कर लो है ना, जल्दी कॉपी करो आगे बढ़ते। अगला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इट्स इक्वेटर है ना, इसके इक्वेटर के ऊपर सपोज कर लेते हैं यहां पर हम एक माइनस एम और यहां पर प्लस एम करते हैं है ना, ठीक है ये सेंटर हो गया, और यहां से हम इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं एक्स है, और एक्स बहुत बड़ा है दिखा नहीं रहे, एक्स है बहुत बड़ा, सपोज करो मैग्नेटिक डायपोल इतनी सका है और हम यहाँ बात कर रहे हैं इस जगह पे है ना, ये इमेज हाथ भी नहीं दिख रहा होगा थोड़ा, ये भी नहीं दिख रहा होगा ना, ऐसे इमेज नहीं कर सकते हो ना, यही लोग इतना दूर में है ना, तो ये डिस्टेंस मिलीमीटर में है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो सिमिलरली जैसे हम लोग पहले काम किया करते थे है ना, ये हम लोग को पता है एल और एल हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला देते हैं, माइनस की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड तो हम इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं, इसको बी कर देते हैं, प्लस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी
जो कि सेम लेंथ होने वाला है, इसलिए हम मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होने वाला है वो हम सेम ले रहे हैं। अगर हम बोल देते हैं ये एंगल थीटा है और एक लाइन परपेंडिकुलर ऐसे पैरेलल खींच दिए, ये थीटा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो ठीक है, ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाइसेक्टिंग कोण हो सकते हो यहाँ से। खैर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। इस दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाता है, 2b cos थीटा / 2, याद है, इधर की तरफ ही आ जाने वाला है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा। तो b नेट सीधा से लिख सकते हैं क्या, 2b cos टोटल एंगल हो गया 2 थीटा का आधा, टोटल एंगल है 2 थीटा का आधा, यहां से हो गया 2b cos थीटा। तो 2b के जगह क्या लिखेंगे, μ0/4π m/r का क्यूब, है ना। यहां से तक का लेंथ क्या है, देखो ये लेंथ l है और ये x है, तो √l² + x² का होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि l² + x² हो जाएगा। और cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, base/ इतना, यानी कि l/√l² + x² l को 0 उड़ा दो, मामला खत्म हो गया, कुछ तो है नहीं। तो 2μ0/4π mL/, यहां से हो जाएगा x का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा x, तो यहां से देखो सीधा सीधा दिख रहा है μ0/4π m × 2l, के जगह आप कैपिटल m लिख सकते हैं, नीचे मुझे x का क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अरे ये तो वैसा ही आ गया ना, kp/x का क्यूब, जो कि डेपोल में हम लोग पढ़ा ना, सेम है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब सेम है, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। और उधर भी ऐसे ही डिराइव किए थे, सेम तरह की चीजें हो रही थी, बस यहाँ पर क्या देखे, ऑब्जर्व किए कि जो डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो माइनस से प्लस की तरफ ऐसे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट है, ये बात याद रखना है, ना। तो लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। फिर सुनो, मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है वो अपोजिट ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे बात करते हैं, चलो जल्दी छापो इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक डायपोल इससे बना दी गलती से, हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे इसको करते हैं, एम वेक्टर है ये, इसको हम कहते हैं एम वेक्टर, ठीक है। और इस एम वेक्टर के, क्योंकि हमको पता है सेंटर से ये बात होता है, किसी भी जगह पर हमको यहाँ पर कह रहा है कि, है ना, ये एक्स है, यहाँ पर कह रहा है कि बताओ कितना है मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे, जो कि किसी एंगल थीटा पर बात कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस एम वेक्टर को तोड़ देते हैं दो हिस्से में, एक इधर और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इधर तोड़ दे रहे हैं और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दे रहे हैं। इधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इधर हो जाएगा एम कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो डायपोल है उसके इस, हम ऐसे समझना है यहाँ पर कि ये डायपोल नहीं है, अब दो डायपोल है, एक डायपोल दो डायपोल, और दो डायपोल की वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एक डायपोल के एक्सिस पर ये पॉइंट पड़ रहा है, क्योंकि देखो इसके सीधे ये पड़ गया, इसको हम कह देंगे एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर पड़ रहा है, इसलिए हम कह देंगे इसको इक्वेटर। आधी बात समझ में, फिर सुनना, इस डायपोल के सीधे में ये पड़ रहा है पॉइंट, एकदम अलोंग द, है ना, अलोंग द डायपोल, इसलिए कह देंगे इसको बी एक्सिस। इसके कारण मैग्नेटिक डायपोल फील्ड अभी कैसे बताते हैं, एक्सिस पर रहेगा तो उसके तरफ ही बनता है, यानी कि अगर डायपोल मोमेंट इधर है, इधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इसे कर देंगे बी एक्सिस, ठीक है। और दूसरा जो अभी तुरंत देखे थे इक्वेटर के लिए तरह, है ना, नहीं दिख रहा है कि ऐसे है जिसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर बन रहा है, तो हम इसको कर देंगे ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इसके डायपोल मोमेंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट इधर की तरफ हो जाएगा। फिर सुनना, दो डायपोल है मेरे पास, एक था हमने उसको ब्रेक करके दो डायपोल बना दिया,
एक के एक्सिस पर पड़ रहा है, दूसरे के इक्वेटर पर पड़ रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, है ना। हम इसको कह देते हैं डी इक्वेटर, ठीक है। और इस दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं, बस हो गया खत्म। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसे करके हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, और इधर की तरफ हो जाएगा बी नेट, और क्या बनने वाला, कुछ तो बनने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ और चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉप कर दें, तो हम अगर ये थीटा देख रहे हैं, तो हम इसको भी थीटा कह सकते हैं, और इस एंगल को हम कह देते हैं अल्फा एंगल, है ना, उस एंगल को अल्फा कह दे रहा है। दो तीन चीज निकाल ही सकते हैं, पहला बात तो बी एक्सिस क्या है, तो बी एक्सिस क्या है, वो है टू के टू एम बाय आर कर, ठीक है, याद पड़े थे ये बात, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू 2m, इसके तरफ का m का नाम है m cos theta by x का होल क्यूब, आ रहे समझ बात। और b इक्वेटर क्या आ जाएगा, mu not upon 4 pi into m sin theta upon x क्यूब, क्योंकि इसके लिए था सिर्फ m by x क्यूब था। और अगर हम b at any position के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड पर ही बात कर लेते हैं, सीधा लिख देते हैं यहां से b एक्सिस का स्क्वायर और बी इक्वेटर का होल स्क्वायर। अब बी एक्सिस का स्क्वायर और बी इक्वेटर में देखो तो कुछ कुछ तो कॉमन है, ये सब चीज तो कॉमन ही है, या से टू है ना, ये सब चीज तो कॉमन था, हम सीधे बाहर निकाल ही दे रहे, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स क्यूब बाहर आ गया, अंदर बचेगा टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि फोर कॉस का स्क्वायर थीटा, या सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। होप करते हैं समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा वन हो जाता है, तो एक थ्री कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ से, तो सीधा सीधा आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम बाय एक्स क्यूब रूट ओवर वन प्लस में थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा, दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया, अभी तुरंत पीछे चर्चा कर भी रहे थे, अब आगे बात करते हैं, यहां से टेन अल्फा की बात करते हैं, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर लेंथ देखो तो b इक्वेटर और बेस हो गया b एक्सिस, है ना, तो b इक्वेटर अपॉन b एक्सिस लिखते हैं, तो b इक्वेटर दिख रहा है और b एक्सिस दिख रहा है, तो sin by cos और नीचे में 2 आ जाएगा, यानी साफ दिख रहा है हाफ tan थीटा आ जाएगा, सिंपल हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम अल्फा निकालने का कोशिश करते हैं, है ना, इस चीज से अगर हम अल्फा निकालने का कोशिश करें, यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन थीटा अपॉन टू, जल्दी चाको है ना, आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा ये जो अल्फा है वो इतना आ चुका है ना, तो नेट एंगल अगला लिखते हैं, नेट एकदम सेम डी टू है, अगर पीछे का वीडियो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं है ना, नेट एंगल फ्रॉम ये मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक होता है ना, स्पेलिंग तक भूल गया, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो ऐसा पूछा जाएगा नेट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, और दैट इज इक्वल टू थीटा, तो है ये है अल्फा का वैल्यू जो होता है tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, इतना हो गया। कोई सवाल, कोई भी तरह का सवाल, कष्ट परेशानी तकलीफ, इसको इरेज करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, पहले सिचुएशन समझते हैं उसके बाद सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाक से, फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड थीटा, जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा उनको पता होगा क्या हम सवाल करने वाले हैं, फाइंड थीटा सच दैट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर, ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पर, कि जो डायपोल है उसका जो एम वेक्टर है उसके जो सेंटर से अगर हम कहीं पर भी किसी भी एक्सिस पर बात कर रहे हैं,
यहाँ पर जो बी वेक्टर आ रहा है वो हर समय इसके परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर बात कर रही है, यानी कि नेट एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया आपको, दैट इज जो नेट एंगल है यही 90 डिग्री है। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पहले सॉल्व कर लेते, दिखाते हैं तुमको अगर वो वहां पर है क्या। ठीक है, तो नेट एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर क्या देखेंगे, थीटा प्लस में टैन इनवर्स टेन थीटा का आधा, ये इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स टेन थीटा बाय टू। अरे बस सुनो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स को इधर भेज सकते हैं, तो यहां हो जाएगा टेन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू टेन थीटा का आधा, और ये तो हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू यहां से आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा का आधा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना, तो टू इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया रूट टू, तो थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स रूट टू, लगभग लगभग 55 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री अगर होगा, अगर थीटा का वैल्यू 55 डिग्री होगा तो जाकर के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऐसा हो जाएगा। छाप लो, अभी दिखाते हैं आखिर हम क्या किए हैं यहां पर, जल्दी छापो इसको। हम यहां पर ये किए हैं कि एक बार मैग्नेट के बारे में सोच रहे थे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और हमको पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलते हैं और साउथ में जाकर टर्मिनेट कर जाता है, अभी तक तो हम लोग यही पढ़े हैं। तो नॉर्थ से निकल करके साउथ में टर्मिनेट कर रहा है और ऐसे भी यहां भी बन रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी भी थीटा पर, है ना, अगर हम थीटा का वैल्यू 55 डिग्री लेते हैं यहां से, तो यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो इस जगह पर कैसे बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाएंगे, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर बना, अब यह समझ में हम क्या निकाले थे, ये वो जगह है जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, तो कहीं पर भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, वो बताओ वो जगह जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देंगे कि 60 डिग्री हो जाए, कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाले क्या जाता है, आ रही बात समझ में। लेकिन हाँ, ऐसा ऐसा वैल्यू चार वो होगा, है ना, इधर भी होगा ना, यहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड देखो जिसके परपेंडिकुलर है, यहां पर भी तो है मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां पर भी तो है मैग्नेटिक फील्ड इधर, ऐसे से फोर पॉइंट्स होंगे 55 डिग्री, एंड देन फिर 180 में से 55 घटा दोगे तो ये अगला पॉइंट आ जाएगा, फिर 180 प्लस में 55 एंड देन फिर माइनस में 55, ये चार पॉइंट्स आएंगे, टोटल एंगल चार बनेंगे, कितने कितने बनेंगे, एक 55 डिग्री है ना पहला, दूसरा क्या हो गया 180 माइनस में 55, तीसरा क्या हो जाएगा 180 प्लस में 55, चौथा क्या हो जाएगा माइनस में 55 डिग्री, ना ये वाला आएगा माइनस 55 डिग्री, होप करते तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यहां तक हो चुका है हम लोग का, जल्दी कॉपी करो। अगला आइटम क्विक हमारा टॉर्क, ठीक है, ऑफ टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहना चाहता है यहां पर कि एक ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया, ऐसे हम जब भी बार मैग्नेट को रख रहे हैं तो हम बार मैग्नेट तो रख नहीं रहे, हम सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक डायपोल रखा है, एक प्लस एम वाला पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पर माइनस एम पोल स्ट्रेंथ हमने रख दिया है, और किसी एंगल थीटा पर रख दिया है। ठीक है, ऑब्वियसली तुम लोग को समझ में आना चाहिए, यहाँ पर हम ऊपर से कवर चढ़ा करके रखें, हमको सिर्फ इसके इन दोनों पॉइंट से ही मतलब है। अगर ऐसा कुछ करके रखें और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, हम जानते हैं बी के डायरेक्शन में से फोर्स लग जाएगा एम बी, पढ़े ना, फोर्स का क्या होता है एम बी, इसका एम और इसका बी, और यहां पर निगेटिव है तो उल्टे डायरेक्शन में रह जाएगा फोर्स। चलो एक एक चीज तो पता चल रहा है,
और साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, हर किसी को पूरा सैफ सैफ दिख रहा होगा कि बात हो रही है सैफ की, सॉरी सैफ अली खान की बात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। तो अच्छा बताओ, ये लेंथ तो 12 था ना, ये लेंथ तो 12 है ना, अरे जोक मारते हैं जी, नहीं तो ये 12 का cos थीटा, ये 12 का sin थीटा हो जाएगा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 12 sin थीटा। ओ माय डॉग्स, सॉरी गॉड्स, बैठ जोक। इस पॉइंट पे बात करते हैं, इधर की तरफ कितना लग रहा है फोर्स देखो तो mb, इधर की तरफ कितना लग रहा है mb, और ये लेंथ कितना हो गया 12 sin थीटा। तो कमाल का बात ये है, फोर्स कपल बन रहा है क्या, तो फोर्स कपल ही तो टॉर्क देता है ना, यहां पर बोलेंगे फोर्स जो कपल है ये हमारा टॉर्क है। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, ये mb हो गया ना और ये भी हो गया mb, तो mb into 12 sin थीटा सीधा लिख देंगे, mb into 12 sin थीटा। m into 12 को कैपिटल m कहते हैं, अभी तो पढ़े हैं टॉर्क। अगर हम इसको वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो ये देखो तो ऐसे घूम रहा है क्या, अच्छा m किधर की तरफ होगा, m किधर की तरफ होगा, m वेक्टर ऐसे होगा, तो m क्रॉस b की तरफ घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे देखो m इधर है b इधर है, तो m पर हाथ रख करके b की तरफ टर्न कर रहा था, अंगूठा इधर की तरफ जा रहा है ना, तो कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर m क्रॉस b। हम ये ऐसा काहे बोले, क्योंकि कभी कभी दिमाग में नहीं रहता कि b क्रॉस m करें कि m क्रॉस b करें, क्योंकि दोनों तो वेक्टर ही है ना, तो यहां पर ऐसे सोचा जाएगा कि यहां पर m क्रॉस b होता है, उसी तरह से पीछे था p क्रॉस e, है ना, जो डैपोल था इलेक्ट्रिक डैपोल उसे हमने p क्रॉस e किया हुआ था, तभी ये चीज आया था, ठीक है, ये भी हमारा टॉक। तीन चार पॉइंट्स हैं, एक सवाल है, जल्दी से खत्म करो इसको। कुछ केस लेते हैं ना, बहुत सारे इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, देखते हैं कौन से एफआईआर के साथ में ये क्या काम करता है, है ना। तो पहला केस लेंगे, केस नंबर वन करते हैं, मिलॉर्ड थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लीजिए, मिलॉर्ड थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लीजिए, मिलॉर्ड थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लीजिए, ले लिए। और ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया मेरा एम वेक्टर, मतलब समझ माना चाहिए, अगर हम ऐसा कुछ ले रहे हैं इसका मतलब तुम लोग को पता है क्या लिए हैं, इधर की तरफ हमने माइनस में एम लिया है, यहाँ पर प्लस एम लिए हैं, यानी कि अगर हमने भूल भाल गए उसमें एक बार लिख देते हैं, नॉर्थ और साउथ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ऐसा है। तो यहाँ पर टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, 0 डिग्री लिखोगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे टॉर्क 0। और इस कंडीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, क्या है इसका मतलब, अच्छा हाँ हम लोगों को पता है, हम भूल जाते कभी कभी, इसका मतलब एस एच एम होगा, ठीक है, ये लाइन आते ही एस एच एम आ जाता है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको नहीं पता वो शुरू से देख लो वीडियो, क्या कर सकते हो, एस एम पर कंप्यूटर वीडियो है भाई, खैर बी के साथ में एम वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन 90 लिखेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट ऐसे रख दिए बार मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस कंडीशन में हो जाएगा एम बी साइन 90 बन जाता है ना, ये तो इक्विलिब्रियम है नहीं ना, तो मैक्सिमम रोटेशन आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, इससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। और तीसरा कंडीशन है उल्टा कंडीशन, कि बी वेक्टर इधर की तरफ है लेकिन एम वेक्टर इधर की तरफ है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये तो टॉर्क फिर से 0 कहेगा ना, क्योंकि एम बी साइन 180 डिग्री लिख देंगे अगर, ये तो 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल, जो टॉर्क लगा है नहीं, तो 0 तो है टॉर्क है, सॉरी टॉर्क नहीं है, इक्विलिब्रियम है, और इस कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे इसको, अब क्यों बोलेंगे सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बस कुछ नहीं हुआ, है ना, मन किया लिखने का लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं,
अगर सोच के देखो यहाँ पर प्लस में एम है, थोड़ा सा भी हम इसको जब हमको इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना है तो हम थोड़ा सा इसको हिला देते हैं, देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा है ना, थोड़ा हिलाते हैं इसको, है ना, जैसे था थोड़ा हम हिला दिए। अब यहाँ प्लस एम है तो प्लस एम के ऊपर तुम फिर से बोलोगे फोर्स ऐसे रहती है, फिर से घुमा करके फिर वही लेके आ रहा है क्या, फिर से उसी पोजिशन पर लेके आ रहे हैं ना, इसलिए करते स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ वाला कंडीशन की तरफ सोचते थोड़ा ध्यान से, है ना, ऐसे कुछ इस कंडीशन में यहां माइनस एम है और यहां पर प्लस एम है, और हमने क्या किया, ये देखो समझ रहे बात को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और टॉर्क जो एम वेक्टर था वो ऐसे माइनस एम के प्लस के एम वेक्टर, है ना, ऐसा ये सब फोर्स की तरह, इस पर ऐसे फोर्स हो जाए, इस पर ऐसे फोर्स हो जाए, ऐसे धड़ाक से घुमा देगा इसको, ऐसे है ना, ऐसे घुमा देगा सीधे, थोड़ा सा भी हिलाया है ना, इस कंडीशन से शुरुआत में इस कंडीशन पे था, यहां से थोड़ा सा भी ऐसे किया धड़ाम से ऐसे घुमा देगा इसको, नहीं समझा, थोड़ा सा भी ऐसे कर दे ऐसे हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और यहां पर सिस्टम पॉसिबल है नहीं, यहां पर है तो ऐसे करते हैं। अच्छा यहाँ सवाल क्या है इस कंडीशन में कि एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से करके एक सस्पेंडेड एक बार मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड करके रखा है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है और इसी में हमने ऐसे करके मैग्नेटिक को रख दिया है, चुपचाप से रखा है, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, तो ऑब्वियसली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि सोच सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर बन रहा होगा, तो एस से एन की तरफ, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे तो एम वेक्टर बन ही रहा होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हमको कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन बताओ, यानी कि कभी किसी ने क्या किया इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ऐसे से, तो ऐसे से वाइब्रेट करने लग जाओ, तो क्या टाइम पीरियड है, बस ये सवाल है, जब वाइब्रेट करेंगे उसमें कुछ टॉर्क लग रहा होगा, तो हमको पता है टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा, जो कि आई इंटू अल्फा के बराबर हो जाता है, ये तो पढ़े ना टॉर्क बराबर, तो यहां से क्या लिखेंगे एम बी साइन थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो थीटा जो है हमारा वो बहुत बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, एम बी इंटू थीटा, और आई क्या हो जाएगा इसका, याद है एक रॉड का आई क्या होता है, रॉड का आई एम एल स्क्वायर बाय 12, पढ़े है ना एम एल स्क्वायर बाय 12, चलो ठीक है, हम आई इंटू अल्फा लिख रहे हैं, तो अल्फा बराबर क्या लिखोगे एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, देखो तो यहां से कुछ रोटेशनल एसएम के बारे में बात हो रही है क्या, इसी बोलते हैं रोटेशनल एसएम, रोटेशनल एसएम के लिए कंडीशन क्या था, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नेगेटिव में, अगर मैग्नीट्यूड के ऊपर बात हो रही है, इन ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी अपॉन आई, है ना, बाय कंपैरिजन अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा, यानी कि इसके जगह पर ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट ओवर एम बी अपॉन आई, है ना, तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू रूट ओवर एम बी अपॉन आई, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम, पुट कर लेते हैं सबको वैल्यू, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई बराबर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, तो मास इसका इसने दिखा एम नॉट, एल का लेंथ है 12, एम एल का होल स्क्वायर बाय 12, है ना, बाय एम बी, एम की जगह क्या लिखेंगे एम इंटू 12, इसका जो पोल स्टेंस में लिखा हुआ एम इंटू लेंथ है 12 इंटू पी हो गया, इज इट ओके, सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर, हम क्यों करें, ठीक है, कोई डाउट, इजी था। अब देखो यहाँ पर डेरिवेशन तो हम लोग टॉर्क भी निकाल लिए, एक जनरल रॉड वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ से, अगर सिर्फ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हम वो लिख सकते हैं, तो किसी विषय पर है। अब लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक
एंड फोर्स, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं यू इक्वल टू, है ना, यू इक्वल टू क्या पढ़े थे, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, है ना। उसी तरह से अगर ये जब फोर्स पता हो तो हम बात कर सकते हैं, और अगर हमको टॉर्क पता हो तो टॉर्क वेक्टर डॉट ऑफ डी थीटा लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर यही मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया हुआ ऐसे नॉर्थ और साउथ के, इसका लेंथ दिया है 2L वगैरह वगैरह जो भी है, बाकी हमको पता है m इसका वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और किसी भी एंगल थीटा पर ये रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, इसको थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 एंगल तक हम इसको मूव करवाते हैं, है ना। लेट अस कंसीडर, देखो हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, है ना, कंसीडर ऐसे लिखते हैं ना तुम लोग जी, लेट अस कंसीडर, है ना, बार मैग्नेट रोटेटेड फ्रॉम थेटा 1 टू थेटा 2, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, एम बी साइन थीटा, और कुछ नहीं पता, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक में बात हो रही है। हाँ चलो, एम बी बाहर आ गया, है ना, और साइन का क्या हो जाएगा, एम बी बाहर आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक में पुट कर देंगे। यहां से हो जाएगा एम बी पहले कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा बात, कोई दिक्कत है? तो वर्क डन क्या होता है, बोलेगा वर्क डन टू मूव डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्क क्या हो जाता है, क्योंकि वर्क बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव हो जाता है ना, निगेटिव उल्टा कर देंगे तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा सीधा सीधी, एम पी कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1, ठीक है, छापो जल्दी से फिर आगे डिस्कस करते हैं। कुछ केस को लिखते हैं फटाफट, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि थीटा 1 जो है ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा 1 हमारा 0 डिग्री है, और थीटा 2 का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री आ चुका है। तो पोटेंशियल क्या जाएगा, यू बराबर एम बी क्या था अभी, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2, है ना, तो कॉस थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री माइनस में कॉस 90 डिग्री, आई वो समझे। तो ये हो गया हमारे पास, ये कुछ गड़बड़ा लिए क्या जी, पीछे जितना भी डेरिवेशन हुआ था उसका पूरा कहानी में एक काम कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो U का वैल्यू हम गड़बड़ कर दिए, माइनस में टॉर्क डॉट ऑफ डी थीटा होता है, ठीक है, एक छोटा सा बहुत वंडर कर गया, बताओ इक्वेशन में हर किसी में माइनस करवाना है तो पूरा इक्वेशन में माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ भी इक्वेशन तो सब में माइनस आएगा, सॉरी दिमाग से निकल गया, ओके, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में एम बी, ये चेक कर लेना इसको बार बार हम कर रहे हैं ध्यान से, ठीक है, माइनस में एम बी कॉस इसमें जो 1 इसमें जो 0, तो माइनस में एम बी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर हमने ये थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री माना है, थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री माना है, तो इस कंडीशन में हमारा टॉर्क मैक्सिमम था, याद है जब 90 डिग्री पर था टॉर्क मैक्सिमम था, और उस समय हमारा
माइनस में एम वी आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो आगे अगले कंडीशन पे बात करते हैं, ऐड कर लेते हैं, थीटा वन का वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा टू का वैल्यू 180 डिग्री हो चुका है। अब इस कंडीशन के लिए क्या बताओ, वैल्यू का वैल्यू माइनस में एम बी कॉस 0 का वैल्यू 1, लिखेंगे ना जी, कॉस 0 डिग्री माइनस में कॉस 180 डिग्री, यहाँ हो गया माइनस में एम बी कॉस 0 का वैल्यू 1, इसका जो माइनस 1 होता है क्या, यानी कि माइनस में 2 mv हो जाएगा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, और पूछेगा वर्क कितना हुआ है ना, इसी में पूछेगा वर्क कितना हो जाएगा, सीधा mv है ना, तो वर्क डन टू रोटेट है ना, ये सवाल हो गया ना, वर्क डन ऐसे, वर्क डन टू मूव फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, mv प्लस में mv, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है इसका, है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, वर्क डन टू मूव फ्रॉम, अच्छा ये तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था और ये मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था ना, ऐसे लिख देगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या हो जाएगा इसका वर्क डन 2 mv, इतना हो जाएगा इसका वर्क डन, ठीक है, जल्दी छापो आगे बढ़ते हैं। जो अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा उसमें यहां पर कंडीशन दिया हुआ है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसे कर लेते हैं, एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, इसका पोल स्ट्रेंथ देके रखा है इसने, है ना, अच्छा इसका लेंथ दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर देके रखा है और इसका पोल स्ट्रेंथ 12 एम्पियर मीटर दिया है ना, इसका जो पोल स्ट्रेंथ दिया 12 एम्पियर मीटर दिया हुआ है, इसे कारण कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट ऑन द एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम इट सेंटर, यानी कि इसके सेंटर से यहां पर ये डिस्टेंस 0.2 मीटर पर बताओ, क्या ये 0.05 मीटर है क्या, है क्या, और ये 0.20 मीटर है, हम इसको ये लेंथ लिख सकते हैं क्या, 0.20 में से 0.05 घट जाएगा तो 0.15 मीटर बचेगा ये, अरे बस और ये 0.25 मीटर हो जाएगा, तो अब इसके कारण बोल रहे थे यहाँ पर मेरे पास प्लस एम हो गया और यहाँ पर माइनस में एम हो गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, प्लस कारण बाहर की तरफ बी प्लस से कारण बी माइनस लिख देंगे, तो बी नेट क्या आएगा, बी प्लस माइनस बी माइनस, ये लिखेंगे ना, तो B प्लस की जगह आप क्या लिखोगे, म्यू जीरो अपॉन 4π एम अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर मीटर में, और माइनस में म्यू जीरो अपॉन 4π एम अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर, और एम तुमको पता है, म्यू जीरो अपॉन 4π का वैल्यू तुमको पता है, 200 माइनस 7 होता है, ठीक है, और इसके जो 12 हो गया 0.15 का होल स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह पे भी माइनस में 7 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सॉल्विंग यू विल गेट 3.4 इनटू 10 का माइनस में 4 टेस्ला। अब बताओ कि यहां पर हम वो फॉर्मूला जो डिराइव किए हैं वो क्यों नहीं यूज किए, वो इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर और ये भी डिस्टेंस है 0.20 मीटर, कंपेरेबल है, मीटर में ही है, अगर ये डिस्टेंस मेरा मिलीमीटर में रहता और ये मीटर में रहता तब हम पीछे वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है, और ये निकालना आसान काम था, ठीक है, ये तो सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, ये तो कॉमन में आ रहा है, बाकी तुम लोग इतना होशियार हो, मैम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान समझना इस सवाल को कि यहाँ पर जो ये एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, इस बार मैग्नेट के ये इक्वेटर का पॉइंट हुआ, पहला पर तेज समझ में आ रहा है,
और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है पाई इंटू 10^3 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि हमको इसके पोल स्ट्रेंथ और लेंथ का जो मल्टीप्लाई है वो दे दिया है इसमें। और इसके इक्वेटर के कारण है ना, नॉर्थ इधर है और ये साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर बनेगा, ऐसे बनेगा है ना, एम वेक्टर कैसे बन रहा होगा, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनता है, ये तो पता है सबको है ना। इक्वेटर पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट बनता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये पी पॉइंट के कारण बात करें, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट बन गई है ना, बार मैग्नेट इधर की तरफ बनेगा। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर करंट किधर और कैसा होना चाहिए जिसके कारण कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बने ही नहीं। अब ये क्वायल है, क्वायल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता है ना सबको, क्वायल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वायल क्या था, म्यू जीरो अपॉन म्यू जीरो आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेशियो में 3/2 है ना, ये इसका रेडियस अगर है ठीक है, ये स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़े थे याद है ना, ये सब पढ़ लिए थे क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वाइल के कारण अगर हम ऐसे करके दिखा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ बनेगा ठीक है। हम कहते हैं बी क्वाइल, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल का और इसका दोनों का सेम हो जाए तभी यहाँ पर जीरो हो सकता है ना, तो हम क्या लिखेंगे पी पॉइंट पर, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फिर समझाते हैं, फिर समझें कि एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनता है, इस पी पॉइंट पर इधर बनेगा, और क्वाइल के कारण पूछ रहा है क्वाइल में कितना करंट दें उसका नंबर ऑफ टर्न्स पता है, ये सब सब हमको पता है, और डिस्टेंस यहाँ पर है क्वाइल वो 0.2 मीटर पर रखा हुआ है, तो कह रहे कितना करंट दें कि यहाँ पर जीरो हो जाए मैग्नेटिक फील्ड। अब जीरो होने के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है इधर, उतना ही इसको इधर करना पड़ेगा, तभी ना जीरो हो सकता है, और कोई उपाय तो है नहीं ठीक है, इसलिए हम कह रहे फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो, देन बी ऑफ बार मैग्नेट मस्ट बी इक्वल टू बी ड्यू टू वन। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, अभी तुरंत पढ़े म्यू जीरो अपॉन 4 pi एम अपॉन एक्स का क्यूब, पढ़े अपॉन एक्स का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड अभी तुरंत फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, याद नहीं पता है भाई, डेराइव करके याद रहना चाहिए तुम लोगों को, बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा एकदम पूरा डेरिवेशन ठीक है, इसे याद रहना चाहिए भाई ये सब, म्यू जीरो आई एन ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर स्क्वायर 3/2 म्यू नॉट से म्यू नॉट खत्म हो गया, कैपिटल एम के जगह पे लिख सकते हैं यहाँ से पाई इंटू 3 इंटू 4 pi इंटू एक्स के जगह पे, यहाँ से देखा जैसे एक्स हो गया 0.1 का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ से करंट तो हमको निकालना है, एन के जगह 169 लिखा हुआ है और ए का वैल्यू दिया हुआ 0.05 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ए के जगह पे अगेन 0.05 का होल स्क्वायर इसका ब्रैकेट और आपसे लिख लेते हैं प्लस में एक्स का वैल्यू, यहाँ से तक का डिस्टेंस है 1.2 मीटर, 1.2 का होल स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 यूजिंग कैलकुलेटर and you will get result I equal to क्या हो गया इसको बदल रहा हूँ 2.6 मिलीएम्पीयर कितना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा ठीक है, और पूरा का पूरा जो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एकदम पूरा पूरा इंस्पायर्ड था, जस्ट अलाइक था, ये अभी हम लोग एक चीज़ सीख लिए कि बार मैग्नेट कैसा कैसा काम करता है। अब इसके आगे हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझेंगे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, शेयर करो सब्सक्राइब कर लेना भाई ठीक है, अच्छा तुम लोग कर लेना, देखते बाय।